हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम ये करने वाले हैं, वीडियो है दैट इज़ मेजर गौरव आर्या एंड वैभव सिंह डिस्कस रिफ्ट बिटवीन आईएसआई चीफ एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो को आज हम लोग देखते हैं। लास्ट नाइट ही वीडियो आई है और यकीनन आपने नहीं देखी होगी, अगर देखी है तो फिर भी देखें, और अगर नहीं देखी है तो मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ वीडियो। सो आज की हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है, तो यकीनन आपको जो है वो अच्छी लगेगी। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशंस हों, जैसे कि आप लिंक शेयर करना चाहते हैं अपनी फेवरेट वीडियो के ऊपर रिएक्ट करवाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की आईडी पर मेंशन है, वहाँ पर आप मुझसे सजेशन शेयर कर सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सजेशंस दे रहे होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए ही है, तो आप वहाँ पर भी सजेशन दे सकते हैं विद लिंक। मेक श्योर कर लें कि आप लिंक के साथ मुझे शेयर करें, ताकि ईजी हो जाए फाइंड करने में। एंड जीमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर मुझे जो है वो क्या कर सकते हैं, आप मुझे सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मेरा एक और अकाउंट है साइमा पीरज़ादा व्लॉग के नाम से, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया या व्लॉग्स वगैरह नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाएं, मेरा साइमा पीरज़ादा व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और एक बार व्लॉग ज़रूर देखो, आपको अच्छा लगेगा, तो उसके बाद ही आप जो है वो सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि बहुत मेहनत की है, अपना कंटेंट क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली और भी इन फ्यूचर अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, एक्सप्लोर कराऊँगी मैनी थिंग्स। सो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो हैव वी गो। देखिए, जनरल फैज जो है ना, वो पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और दूसरा भाई जट तो है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई, तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई, मतलब इस लेवल पे मार काट। इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम। तो जनरल फैज की सीधी सीधी नजर है कि जीएचक्यू में जो बड़ी वाली केवन है भैया, वो मुझे मिल जाए और मैं एज आर्मी चीफ रिटायर, एक बार घुस गया आर्मी चीफ बनके, और उसके बाद मैं भी खुद को एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, जो अगला पपेट आएगा उससे बोल दूंगा 3 साल मुझे भी दे दे। जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पर गोली पड़ी थी 71 में। इट्स ऑलवेज दे हैव ऑलवेज बीन शॉर्ट रनिंग अवे। दस्तूर है उनका कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो, भागते हुए क्योंकि इंडियन आर्मी वाला कहता है कहां भाग रहे हो, लड़ो। तो पाकिस्तान में दो किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है। अमीर के इस्लाम के वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना, जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे, आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान। ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले ये लोग कुछ नहीं सीखे, इनसे अलग हो गया ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे। 1971 में इतनी बुरी हार हुई, ये तब नहीं सीखे। ये कारगिल से जलील हुए, तब नहीं सीखे। 1965 में, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखंडे में। जय हिंद, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव, और आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्य। हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करने वाले हैं, कुछ अंदर की खबरें हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, एक आईएसआई चीफ और एक आर्मी चीफ, जनरल बाजवा बीइंग अ जट, वो जट हैं,
तो उनकी उनकी एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी पंजाब में, दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद है वो अवान है, अवानों का एक अपना एक स्ट्रांग होल्ड है। अब इन दोनों के बीच में इन फाइटिंग हो गई है और ये दोनों बहुत स्टेक रखते हैं पंजाब और पंजाब यानी पाकिस्तान, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब, तो वहां की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत स्टेक है इन दोनों कम्युनिटीज का। तो सर अब मैं सब जल्दी में बता दे रहा हूँ कि चौधरी फवाद हुसैन को मिनिस्टर से भी इसलिए बुलाया गया है बिकॉज वो जट है, ठीक है, देयर इज नो अदर रीजन। तो जट, अवान, राजपूत, ये दो तीन कैटेगरी कास्ट हैं जिनकी गवर्नमेंट में कोई भी हो, मिनिस्ट्रीज, आर्मी चीफ, ISI चीफ, ये यही रहते हैं। मतलब वंस इन अ वाइल होता है कि कोई मुहाजिर आ जाए या कोई अदर कम्युनिटी से पश्तून आ जाए, बिकॉज पिछले 20-40 साल में तो कोई पश्तून किसी मेजर पोस्ट पे गया नहीं पाकिस्तान में, बिकॉज सर लास्ट 40 इयर्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर दे हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग पश्तूंस। खान तो लिखा था पर पठान थोड़े सो ही इज फ्रॉम मियांवाली, लाइक ही इज अ प्रोजेनी ऑफ जनरल मियांवाली। सो सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन फाइटिंग चल रही है, फैज हमीद पुल कर रहे हैं कैसे भी करके इमरान खान को उसका टर्म, उसका टेन्योर पूरा कराना है हमें, उसकी जो भी कॉस्ट हो। हामिद मीर जैसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट, ये दुनिया में सर बहुत बड़ी गलतफहमी सर ये रही है कि हामिद मीर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो लिबरल है, वो सेक्युलर है, वो लिबरल सेक्युलर हो चाहे ना हो मुझे उसका नहीं पता, बट वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा, बिकॉज उसामा बिन लादेन को दो दो इंटरव्यूज लिए उसने, बिना ISI के आशीर्वाद के कोई बंदा उसामा बिन लादेन का दो इंटरव्यू कर सकता है। So he has always been pro establishment and he has always been anti-India and anti-Israel. Jitni anti-Israel aur anti-India baatein ye log karte rahe hain utni to kisi ne nahi kari aaj tak tareekh mein. So sir mujhe ye bataiye ki ye kisi bhi matlab ye Faiz Hamid is willing to pay any cost ki Imran Khan ko tenure pura karana hai, and Bajwa is sensing, Bajwa ka kehna hai ki yaar Punjab jo hamara fauj ka sabse bada strong hold hai wahan pe hamare khilaf fiza ban rahi hai Punjab mein logon mein। जैसे हमने लास्ट टाइम जनरल जहांगीर करामत की बात की थी कि यू नो कि आवाम में तशवीश हो या फौज में तशवीश हो या आलमी कुवतों को जरूरत हो, तो सर आवाम में तशवीश हो गई है तो सर बाजवा वांट्स कि इमरान हैज टू गो एंड लेट अस ब्रिंग इन समबडी यू नो हु इज मोर डिजर्विंग। सर आप इस पूरी इन फाइटिंग को कैसे देखते हैं एंड हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक दिस फाइट इज? वैभव पहली बात तो इट्स विद अ ग्रेट डील ऑफ सैडनेस, बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि पता नहीं इंडियन मीडिया ना इन सब चीजों के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको इंटरेस्ट, मेरे ख्याल नॉलेज का इशू है, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, दीज पीपल डोंट नो एक है कौन अवान है, कौन अरन है, कौन गुज्जर है, कौन जट है वहां पे, कौन राजपूत है, इनके जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जिसको कहते हैं हम सीज़मिक एक्टिविटी जो होती है ना, अर्थक्वेक टाइप की जो पाकिस्तान में चलती रहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वही इंसान या शख्स पहचान सकता है जिसको इंटरेस्ट है, जो दिन रात इसका यही काम है कि भाई पाकिस्तान में चल क्या रहा। अच्छा हमें तो बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, हमारे मीडिया को इतना नहीं है, हमारे मीडिया वो ब्रेकिंग न्यूज के आगे बेचारे नहीं करते हैं कवर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब पहली बात, दूसरी चीज ये है कि जिसको कहते हैं ना द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वैभव जिससे कभी ये पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं सोच सकता था, एक दो बार पहले ट्रेमर्स हुए हैं, मुशर्रफ के टाइम पे भी ट्रेमर्स हुए हैं, लेकिन पंजाब ने हर समय आर्मी को सपोर्ट करा है, हर समय बिला नागा सपोर्ट करा है पाकिस्तान आर्मी को, आज वहां पे दरारें पड़ रही हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जनरल बाजवा क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, अगर कुछ होता है पंजाब में तो इसके रिपरकशन सिर्फ आर्मी तक नहीं रहेंगे, ये थ्रू आउट द कंट्री, you know more than 50% of the population of Pakistan is ethnically Punjabi and they speak some variation of Punjabi, Saraiki is also a variation of Punjabi, thodi si alag hai lekin it is a this thing and kafi jo Punjabi samajhta hai thoda bahut Saraiki bhi samajh, is type ke you know Potohari Pahadi all these languages ye sab wo mili juli hain daaye baaye ki। Acha problem ye hai ki agar Imran Khan rahega tab DGISI army chief banega, इट्स अ डील भाई। अब मैं कह रहा हूं बाजवा साहब को बुरा क्यों लग रहा है, यही डील तो बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ करी थी शुरू में, क्या बोला था, मैं एक्सटेंशन दे दूंगा तो मुझे आर्मी चीफ बना देना। अच्छा वही डील जब जनरल फैज कर रहा है इमरान खान के साथ तो इनका मुंह सूज गया कि साहब पंजाब में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, अरे पंजाब को मारो गोली, तुम्हारी फौज तितर बितर हो गई तुम्हारे एक्सटेंशन के चक्कर में, तब तुम्हें
तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, अब तुम्हारा दिल पसीज रहा है दिन में, तो ये सब यू नो ऑल दीस थिंग्स दैट इज हैपनिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट वैभव जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको समझने के लिए, इसको महसूस करने के लिए जो ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर्स है ना, दे आर द पीपल हु नो द नुआंसेस। इसमें नुआंस जानना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो पैशनेट पाकिस्तान वॉचर्स हैं, कम हैं बट बहुत कम हैं, जिनको ये अंदर की जो थी ना, इनके क्या क्या चल रहा है इनके गली मोहल्लों में, ये सब इनको पता है। तो ये यही बात है वैभव, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है कि ये और हो इनके बीच में, क्योंकि देखिए जनरल फैज जो है ना वो पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दूसरा भाई जट तो है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ऐसी नहीं है कि पहली बार पावर क्लैश हुआ है दो कम्युनिटीज के बीच में, ये पहली बार नहीं है। ये कम्युनिटी में क्लैश हमने जटों और गुजरों के बीच में देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई, मतलब इस लेवल पे मारकाट है। एंड देन दे से कि इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है। तो ये दिस इज आउट एट प्ले एंड एवरीबडी इज लेवरेजिंग इज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी कि भाई मुझे क्या फायदा मिल सकता है इससे। तो जनरल फैज की सीधी सीधी नजर है कि जीएचक्यू में जो बड़ी वाली केवन है भैया वो मुझे मिल जाए, और मैं एज आर्मी चीफ रिटायर, एक बार घुस गया आर्मी चीफ बन के, फिर उसके बाद मैं भी खुद को एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, जो अगला पपेट आएगा उससे बोल दूंगा 3 साल मुझे भी दे दे। पाकिस्तान में तो कॉमन चीज है ये, तो ये बात हो गई। सर हाल ही में एक इंसिडेंट जो फैज हमीद से रिलेटेड था, वो गोली वोली चल गई थी उनके ऊपर कहीं, तो उसके उसके हवाले से मतलब बहुत चर्चा हो रही है। बट अब वो हमने मतलब हमने आज तक उसको कवर नहीं किया। वो इंसिडेंट एक्चुअली आज से 1.5-2 साल पुराना है, वो आज का इंसिडेंट नहीं है, और मैं कहता हूँ 2 साल भी नहीं, शायद 2.5 साल हो गए होंगे। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन तब भी थी बट हमने नहीं की, बिकॉज हम कुछ थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं, हम उन चीजों में नहीं जाते। बिकॉज यू सर यू हैव बीन अ प्रोफेशनल सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, तो मतलब योर एडवर्सरी वट एवर ही इज डूइंग इन हिज पर्सनल लाइफ इज नन ऑफ आवर बिजनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड लेट अस कीप इट दैट वे, वी शुड, इट इज नॉट गुड टू डिस्कस कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। अब वी कैन डिस्कस जनरल रानी, हम जनरल रानी के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज जनरल रानी वॉज नॉट इंडियन आर्मी सोल्जर, ठीक है, और पाकिस्तान आर्मी सोल्जर। तो सर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यार देखो, मैं हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए पर्सनल अफेयर्स, बट मैं बस इतना, दिस इज अ फैमिली चैनल एंड वी शुड नॉट से इट, आई एग्री विद यू वैभव, एंड वी शुड मेंटेन द डेकोरम। बट जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पे गोली पड़ी थी 71 में। इट्स ऑलवेज, दे हैव ऑलवेज बीन शॉट रनिंग अवे, ठीक है, तो दे हैव ऑलवेज बीन शॉट इन द बैक साइड अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ा एक है पाकिस्तानी फौज का ट्रेडिशन भी है, दस्तूर है उनका कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो, भाग मेंटेन करने की बात करते हैं। इंडियन आर्मी वाला कहता है कहां भाग रहे हो, लड़ो तो। समझ नहीं आ रही थी ये किस चीज़ की बात, तो यही बोला था कहां भाग रहे हो, सवाल का जवाब दो। वो भागा, उसने वाली गोली भरा ली। ये जो जनरल रानी का केस है वैभव, ये ना जनरल रानी इज एक्चुअली, ये पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है, इट इज नॉट द नेम ऑफ यू नो अकलीन अख्तर या वन वुमेन जिसको हम कह देते हैं, एक कोई लेडी खातून की या कोई औरत की कहानी नहीं है ये पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं कि जनरल रानी का जब केस हुआ था तो पहली बार हुआ था और उसके बाद केसेस नहीं हुए, ये पाकिस्तानी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान में दो किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है। अमीर के इस्लाम कि वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सुअर का मांस खाते थे, सुअर का गोश्त खाते थे, और उन्होंने अपनी पारसी जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, बड़ा जिसको कहते हैं कि मतलब जय और वीरू वाली दोस्ती जो थी उनकी, उस पारसी फ्रेंड की 14 साल की बेटी को भगा के उससे शादी वादी कर ली थी। 14 या 16 साल की ऐसी कुछ थी, टीनेजर थी, उससे शादी कर ली थी ऑनरेबल जिन्ना साहब ने। एक वो पाकिस्तान है अमीरों वाला, जहां सब कुछ चलता है, जहां पे पार्टीज चलती हैं, ऐसी पार्टीज चलती हैं जो शायद दिल्ली और मुंबई में ना चलती हों, फार्म हाउस में ऐसी पार्टीज चलती हैं, रेव पार्टीज चलती हैं वहां पे, ओपन ड्रग्स का कल्चर है, शराब आपको कौन सी चाहिए पाकिस्तान में, कौन सी शराब नहीं मिलती है, राइट, वाइन वुमेन सॉन्ग,
एक अलग, उनकी एक अलग इस्लामिक रिपब्लिक है, राइट, डीएचए वीएचए टाइप की, बड़ा मामला है उनका। लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना, जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे, ठीक है, मैं साद हुसैन रिजवी की बात नहीं कर रहा, हो सकता वो करोड़पति हो, ठीक है, हो सकता करोड़पति हो, लबैक का वो है और पॉलिटिकल पार्टी है तो पैसा तो हो गई। मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूं, लबैक की, जिसने गोली खाई थी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, राइट। तो उसमें आप देखिए, जितने भी लोग मारे गए वो तो गरीब थे, वो तो कोई डीएचए वाला तो नहीं मरा था उसमें, या कोई जर्नल का बेटा तो नहीं मरा था उसमें, सबके सब अमीर मरे थे। तो इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में, जो आपने जनरल रानी की बात करी ना, जिसने की एक एक डिक्टेटर को लेके, याह्या खान को लेके पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग उसने शुरू करा, एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग शुरू करा, जिसमें कि जब वो मुल्क टूट रहा था पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बन रहा था, तब उनके अफसरों को डर लग रहा था कि क्या जाके प्रेसिडेंट साहब को जगाएं ना जगाएं, गुस्सा ना हो जाएंगे कि सर एक एक बाजू आपका कट चुका है। तो इनफैक्ट आधा आधा आपका जिस्म कट चुका है, बाजू क्यों, आधा जिस्म कट चुका है, लेकिन वो है पाकिस्तान का कल्चर। तो वैभव, ये जो चीज है ना, जनरल रानी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पाकिस्तान कैरेक्टर। जो अमीर लोग हैं आज भी, मैं बता रहा हूं आपको, आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान। ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले कर, ये लोग कुछ नहीं सीखे, ये बांग्लादेश टूट गया, इनसे अलग हो गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे, 1971 में इतनी बुरी हार हुई, ये तब नहीं सीखे, ये कारगिल से जलील हुए, तब नहीं सीखे, 1965 में, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखंडे में। और रसूल अल्लाह की शान में जान देने वाला लबैक का कोई ना कोई गरीब का बच्चा मिल जाएगा इनको ना, तो वो कहानी भी चलती रहेगी पैरेलली। ये स्टोरी है पाकिस्तान की और ये सच है, और जो पाकिस्तानी इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं, वो लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में कि मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ऐसे हैं, लेकिन यस, पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन एक बहुत, और लोअर लेवल जो है पाकिस्तानी आर्मी का, वैभव मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, वेयर वी दिस थिंग यू नो वेरी क्लोजली सीन द पाकिस्तान आर्मी, जो उनके कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के हैं ना, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल। वो देख के लग जाता है कि जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से उनका मूवमेंट है, जिस तरीके से उनके डेली के ड्रिल्स हैं, हम तो फौज में ड्रिल से पहचान लेते हैं यार, वो पेट्रोलिंग जा रहा है उसकी क्या ड्रिल है, ठीक है, एम्बुश हुआ तो काउंटर एम्बुश की क्या कार्रवाई कर रहा है, वो दो मिनट में पता लग जाता है कि इस आदमी में कितना कलेजा है और कितनी इसकी ट्रेनिंग है, राइट। जूनियर लेवल पे इट्स अ वेरी गुड आर्मी, पता नहीं है ब्रिगेडियर बनते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्या इनके अंदर जिन आ जाता है, ये पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम, बट मोस्ट ऑफ सम ऑफ देम आर वेरी गुड। जहांगीर करामत इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड जनरल, वो ए पॉलिटिकल थे और ए पॉलिटिकल ही वो, जिसको कहते हैं ना, सोल्जर्स फेड इनटू द सनसेट, ही फेडेड इनटू द सनसेट, आज कोई नाम याद नहीं करता, बट पीपल रिमेंबर हिम कि एक लाख था उस आदमी का, नियत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। बाकी आप देखिए इनके आर्मी चीफ यार, दे आर वो तो बहुत पुरानी पुरानी कहानी है इनके, आयुब खान के टाइम से ऐसी कहानियां हैं कि बिल्कुल, जिसको मनोहर कहानियां फेल हो जाए भैया, ये बड़े सॉलिड लोग हैं। जनरल रानी के बाद भी तो जनरल रानी वाला कल्चर तो आज तक खत्म नहीं हुआ ना, मतलब उसके बाद भी कितनी सारी जनरल रानी आई, आज भी हमें पता है कि there are women, you know, who calls the shots in Pakistan, और सबको पता है कि अगर आप उसके पास जाओगे तो आपका काम हो जाना है। एंड और इसी यही जो रोग है, इसी मर्ज के जो शिकार हुए वो अपने फैज अमीद साहब भी हुए थे। तो सर एक सर अगला सवाल मेरा जो है कि राजा जफरुल हक की एक वीडियो सर मंजरे आम पे आई है, और जी वो जी। सेनेटर, एक सेनेटर है पाकिस्तान के और फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, उन्होंने बताया कि जब मैं ट्यूनिस गया था तो अबू जिहाद जो थे वो उस समय जिंदा हुआ करते थे, और उन्होंने मुझसे बताया 1982 में कि जब भी इसराइल के खिलाफ या मिडिल ईस्ट में कहीं भी जिहाद करना होता है तो जो सबसे अच्छे जो जिहाद लड़ने वाले जो टेररिस्ट होते हैं वो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी तरबियत पाकिस्तान में हुई होती है। तो सर आई मीन हाउ मेनी एडमिशन सेल्फ गोल्स दिस कंट्री इज गोइंग टू डू, मतलब
हर बार इनका कोई ना कोई इस तरह का कोई सेनेटर, कोई मंत्री, कोई वजीर उठता है और वो बोलता है कि हाँ हम जिहाद करते रहे, हम मिडिल ईस्ट में भी करते रहे, हम कश्मीर में भी करते रहे, हमारे जगह हम ट्रेनिंग, हम जिहाद कहीं भी हो रहा हो, ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही होती है। नहीं बिल्कुल, देखिए वैभव मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि दिल से ये लोग जिहाद को बुरा नहीं मानते। किसी गैर मुस्लिम को मारना या कहीं पे चढ़ाई कर देना, पाकिस्तानी इसको बुरा नहीं मानते, ये फर्ज है इनका, तो वो करवाते रहते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज कि इनका बेटा ना मारे, वो है ना, इनका बेटा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ेगा, गरीब का बेटा जिहाद। अब इन्होंने क्या करा है इसमें, देखिए जो राजा साहब ने बात बोली ना, राजा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि बोला साहब सबसे बढ़िया जो तगड़े जिहादी हैं वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाई थी। यानी कि पाकिस्तान अर्ली 80s में भी ये काम कर रहा था, पाकिस्तान अर्ली 80s में भी काम कर रहा था, एंड दिस इज आई थिंक द सेम टाइम एज द अफगान जिहाद, मोटा मोटी वही टाइम फ्रेम है 79 और 89 के बीच में। अफगान जिहाद ये तब से ड्रामा कर रहे हैं, ये तब से टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग इट एज अ यू नो एज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान में अगर आर्मी वाले एक्स आर्मी वाले ट्रेन कर रहे हैं जिहादियों को, तो ऐसी बात तो नहीं है कि जेएसयू रावलपिंडी को नहीं पता, इनके फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, इनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं पता, पता सबको है, आशीर्वाद से ट्रेनिंग होती है, पहली चीज। दूसरी चीज वैभव जो बहुत जरूरी है, आपने वो देखा पूरी स्पीच मैंने देखी, 21-22-23 मिनट की स्पीच है वो, चाचा बयान तो बयान कर रहे हैं, बयान तो बयान कर रहा है, पीछे से दबी आवाजों में लोग दाद भी दे रहे हैं। किसी ने चाचा से ये नहीं पूछा कि चाचा एक बात बताओ, तुम तो अबू जिहाद से मिले और पाकिस्तान के जिहादी सबसे अच्छे होते हैं और बड़ी सॉलिड ट्रेनिंग होती है, तो दो सवाल पूछने चाहिए थे कि जो जिहादियों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते भाई, तुम्हारी फौज क्यों पिट के आ जाती है, और जो तुम जिहाद के नाम पे, जिहाद के नाम पे इतनी तालियां बजा रहे हो और इतनी वाहवाही कर रहे हो दबे अल्फाजों में कि साहब बहुत ही बढ़िया काम है, वाह 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 साहब वाह बहुत ही बढ़िया। और नीचे कमेंट्स देखिए उसके अंदर, वो जो लंबा वीडियो है 23 मिनट का, वो पाकिस्तानी नीचे इतने खुश हैं, कोई चाचा से पूछता कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं गया जिहाद पे, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। अगर जिहाद इतनी बढ़िया बात है, है ना, अगर जिहाद इतनी अच्छी बात है तो साध बाजवा फिर दुबई में नौकरी क्यों कर रहा है यार, और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमा रहा है। अच्छी बात है भाई, भाई उनके फादर जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं उसका तो मोटो ही है ना ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, सबसे पहले अपने बेटे को डालें जिहाद पे और बोले कि ये रास्ता दिखाएगा, आर्मी चीफ का बेटा है, ये रास्ता दिखाएगा भाई सबके सामने, ये करेगा जिहाद, ये जाएगा कश्मीर में, ये राष्ट्रीय राइफल से लड़ेगा, मैंने अपने बेटे के सर पे कफन बांधा है, ठीक है, और मैंने अपने बेटे को बाय बाय बोल दिया कि जी फाइनल कोई डालेगा, कोई भी नहीं डालेगा, वो नहीं होगा, मरेगा वही लबैक वाला गरीब का बच्चा जो रेड़ी चलाता है पाकिस्तान में। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो उन्होंने बोला ना, ये जो आपके पहले एम्बेसडर भी, राजा साहब एम्बेसडर रह चुके हैं, और फिर यू नो ही वाज आल्सो, he was also the minister of religious affairs in Nawaz Sharif ke, wo noon league ke hain, ye purane khiladi hain noon league ke, ye mantri mantri reh chuke hain wahan pe, wazir reh chuke hain, to ye dekhiye inke ambassadors teesri cheez kya dikhate hain, wo pure jo lambe usme ye mention karta hai ki hum dekhte the Israel ka embassy Egypt mein pura dhaka chupa hai, aise puri fauj niche khadi aur upar tange hue bilkul top floor pe, maine pura video dekha wo, ab I am very surprised inke diplomats bhi yahi kaam karte hain भाई, तुम्हारा क्या मतलब है अबू जिहाद, अबू जिहाद का नाम देखो, उसका नाम अबू जिहाद है जिससे बंदे से मिला है, और ये कह देंगे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था जिहादी है, अरे बेवकूफ उसका नाम अबू जिहाद है, अबू जिहाद मतलब फादर ऑफ जिहाद, जिहाद का बाप है अबू जिहाद, उसका नाम था अबू जिहाद। अच्छा फतेह ऑर्गेनाइजेशन थी जो वो बाद में फिर फतेह खत्म हो गई, फिर वो यू नो वो थोड़े से लेफ्ट लीनिंग टाइप के थे और फिर उसके बाद वो PLO में शुमार हो गए और ये सब, ये ड्रामा उनका बड़ा चला, और फिर वहीं से उसी स्ट्रेन ऑफ रेडिकल थॉट से एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जन्मा, फतेह से नहीं बट फ्रॉम सिमिलर सर्कमस्टेंसेस व्हिच वी नो इज हमास टुडे। तो मैं ये ठीक है वो लेफ्ट लीनिंग हो सकते हैं और हमास रेडिकल इस्लामिस्ट हो सकते हैं, पर लेकिन दोनों में मैं कोई फर्क नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, इसलिए जब मैंने ट्वीट करा था मैंने जानबूझ के हमास लिखा, उसमें मैंने जानबूझ के हमास लिखा, लोगों ने बोला साहब इसमें तो हमास की बात ही नहीं करी, आपने हमास क्यों लिखा, मैंने बोला फर्क क्या है, फर्क क्या है भाई दोनों में, तुम एक बात बताओ, दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही यहूदियों को मारना चाहती हैं, बोथ डोंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, है ना, डू यू वांट टू गेट इनटू एटिमोलॉजी कि भाई ये शुरुआत कहां से हुई थी,
तो ये सब आप बात करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो ये चीज है वैभव, ये इनके सफीर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, यही देखते हैं कितना आईडब्ल्यू कर लेंगे हम लोग, कहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हैं कहां पे। तभी तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपने कभी बात नोट करी है पाकिस्तान में कोई, ये कभी नहीं इन्वेस्टमेंट ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? ये पूरे समय यही कर रहे हैं, जिहादियों से मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, फिर जाके कुछ और कर रहे हैं, तीसरा काम, ये सारे के सारे उल्टे काम करते हैं। ये कभी इन्होंने ढंग का काम नहीं करा। सफारत का क्या है? आपको पाकिस्तान को एक लेवल पे लेकर आना है, पाकिस्तान की रेपुटेशन आपको मेंटेन करनी है, राइट? क्या ये पाकिस्तान की रेपुटेशन मेंटेन कर पाए? नहीं, पाकिस्तान को सब गाली देते हैं, सब थूकते हैं। जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तक इनको थूकते हैं, कहते हैं हमारे सफारतखानों में हमसे सौतेला व्यवहार होता है, हमें को पूछता नहीं है। तो ना ये दुनिया को खुश रख पाए इनके डिप्लोमैट्स, ना ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको खुश रख पाए। बस एक ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, आपने सुना ही होगा, भाई ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, फिर ये कहते हैं कि हिंदू साजिश करता है। अबे साजिश तूने बेची बिल्डिंग, हमने थोड़ा बेची। फिर यहूदी साजिश करता है, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सो पाकिस्तान में चलता है ये सब। इट्स, मैं बोला ना, इट्स एन ऑल्टरनेट टू नेटफ्लिक्स, आपको बता रहा हूं, इट्स अ गुड प्लेस। सर एक चीज हमने ये भी, अच्छा गाइस ये वीडियो थी जिसमें ये बात कर रहे हैं अबाउट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट और ISI के बारे में, जैसे कि इन्होंने लास्ट में जो बात की है उस पर हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये लोग हमसे सही मतलब बर्ताव नहीं करते, बात सही से नहीं करते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, ये तो बात सच है कि ऐसे ही है कि इन्वेस्टमेंट जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वेल नोन कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? वो सिर्फ चाइना कर रहा है, चाइना के अलावा कोई कंपनी नहीं कर रही, सिर्फ चाइना कंट्री कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी बिजनेस की, तो वो कोई भी यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप सिक्योर हैं, आपका वहाँ पर बिजनेस चलेगा, वहाँ पर बिजनेस का कितना स्कोप है, वो सारी चीज़ों को लोग देखकर आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। और एज बिंग पाकिस्तानी मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि हमारी कंट्री में इतना ये बिजनेस वगैरह नहीं होता, लोकल लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, और मोस्टली लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, सच एज अपना कुछ भी काम करते हैं वो आउट ऑफ कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, वहाँ पर अपने आप को सेटल कर लेते हैं। मतलब आप इससे आइडिया लगा लें कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी मेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी यहाँ पर जो आम पब्लिक है ओवरसीज़ में जो रहते हैं, वो लोग अपनी कंट्री को छोड़कर अपने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर सेटल्ड हैं, तो उनको कुछ नज़र आ रहा है तभी वो यहाँ सेटल्ड हैं विद देयर फैमिली। इवन जो यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ता होगा, हर चीज़ होती होगी, बट दे आर स्टिल हैप्पी विद एक्सपेंसिव थिंग्स एंड विद देयर फैमिली। और अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सलेंट वगैरह जो है वो इन लोगों की जो है वो हेल्प नहीं करता, और ये भी बीच में आपने सुना भी था कि इसमें भी आया था कि जो पाकिस्तान की जो कॉन्सलेट है वो इनको हेल्प नहीं करती और सही से रिस्पॉन्स भी नहीं करती, जिसकी वजह से इमरान खान ने बीच में एक्शन भी लिया था कि कोई भी ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी को मतलब कि ओवरसीज़ भाइयों के साथ ऐसे किया जाए। अब उस पर एक्शन कितनी हद तक हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये न्यूज़ में ज़रूर आया था। तो बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि जो भी है, अभी इन्वेस्टमेंट हमें अपनी कंट्री में भी करनी चाहिए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आज के दौर में अगर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसा चैस कुछ भी, देखिए बड़े पैमाने की तो इन्वेस्टमेंट बड़ा बिजनेस मैन ही कर सकता है, और वो भी यही सोच के करेगा कि यहाँ पर कितना फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा उसे तभी होगा जब वो आउट ऑफ कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इम्पोर्ट का तो नहीं, हर एक्सपोर्ट करता है तो ही उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे जो है उसको अच्छा मुआवजा मिलता है। अगर वो अपनी कंट्री से बढ़कर जो अपने सिर्फ पाकिस्तान में ही करता है, तो पाकिस्तान में भी वैसे चीज़ें तो लोग आपको पता ही, खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ही, और साथ में खर्चना फजूल खर्ची करना बहुत इनमें है,
मतलब जिनके पास है वो तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते ही हैं, और जिनके पास नहीं है तो खाना पीना तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो उसको बचाने के बजाय वो उसको भी उड़ा देते हैं, तो हाथ मतलब खुल्ला डुल्ला होता है उनका। एनीवेज कम टू दी पॉइंट, और हम अब चलते हैं दूसरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि आर्मी जो है वो इमरान खान जो है, जो बाजवा साहब हैं उन जब वो आए थे तो उन्होंने इमरान खान को मतलब आने के बाद मतलब वो जनरल बने थे, और उसके बाद अब जो है अब ये दूसरे बन रहे हैं। तो लेकिन अब मेन चीज़ ये आ रही है कि अब वो मतलब आपस में ही लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। तो अब मेन मसला ये आ रहा है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, बस समझना अभी हमें पड़ रहा है, अभी हम समझ रहे हैं, आंखें हमारी अब खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं इन चीज़ों को, वो भी समझते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन अभी वो लोग चुप हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वो कुछ बोलते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारी जो अभी आती है वो ये आती है कि अब जो भी है गवर्नमेंट अपने आप में, इन लोगों ने हमारी जो जो मतलब कम आप इसी से आइडिया लगा लें कि हमारी आम जो पब्लिक है और हमारी जनरेशन है जिसको स्टार्टिंग से बुक्स वगैरह ऐसी पढ़ाई गई हो जिसमें हिस्ट्री कुछ भी सही ना हो, जिसमें हमारी जो इनोसेंट पब्लिक है उनको मतलब कि उनको ये भी नहीं है कि उनको राइट नहीं, उनको पता नहीं है कि हम किससे सवाल पूछ सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ लेवल पर जा रही है और उनके रास्ते कितने क्लियर हैं। और खान लगाने से तो वाकई में ही खान कोई बन नहीं जाता, क्योंकि आजकल तो खान बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है आमिर खान और सैफ खान ये भी तो खान ही है, और इमरान खान, और मतलब इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आम लोग भी अपना नाम क्या के खान लगा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि नाम खान लगाने से पता नहीं क्या ऐसे मैग्नेट वगैरह होती है जो उनको अटैचमेंट होती है उससे, बट यह है कि सब लोग खान लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट पठान, बेसिकली पठान जो होते हैं ना उनका ये होता है खान लकब, वो खान उनको बोला जाता है, लेकिन आजकल तो पंजाबी भी खान बने हुए हैं, सिंधी भी खान बने हुए हैं, मतलब हर कोई आजकल जो है वो खान बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि खान जो है वो आजकल हर कोई पसंद करता है अपने नाम के साथ लगाना। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने नाम के साथ साइमा खान लगा लूँ, साइमा पीरजादा खान, कैसा लगेगा? साइमा पीरजादा रिएक्शन खान नहीं, साइमा पीरजादा खान रिएक्शन अच्छा लगेगा ना। तो खैर मुझे खैर इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। खान नाम लगाना और ये अपने आप को खान कहलाना इतना मुझे खास पसंद नहीं है। खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हम कुछ कह नहीं सकते। और ये जनरल रानी का जो है ना वो मुझे खुद भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ये जनरल रानी वाला बेसिक सीन क्या था। अगर आपको कुछ इसके बारे में आइडिया हो तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियसली आइडिया नहीं है। और इन्होंने जो बात की है वो किस लिहाज से वो जनरल रानी के बारे में बात कर रहे थे, या ये मेल के बारे में बात करते थे, जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, या फिर कोई और है, तो वो मतलब आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं जानना चाहती हूँ बहुत शिद्दत से। एनीवेज जैसे कि तहरीक लब्बैक का कहा कि हमारी जो पब्लिक है वो मतलब गरीबों के बच्चे जो हैं वो मरने चले जाते हैं, जिहाद करने चले जाते हैं, और अमीरों के बच्चे मतलब कि इनके अपने बच्चे जो हैं वो कभी भी आगे नहीं निकलते, वो हमेशा बड़े बड़े बिजनेस में नज़र आते हैं, वो कभी इस फील्ड में नज़र नहीं आते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि ये लोग जो हैं वो मतलब कि खुद तो बड़ी पोस्ट में आ जाते हैं। और ये बात सच है कि कभी हमने पठान को भी नहीं देखा, कभी हमने इस फील्ड में कभी हमने पठान को गवर्नमेंट में नहीं देखा, और बड़ी पोस्ट में तो ऑलमोस्ट हमने किसी पठान को नहीं देखा, मोस्टली जो हैं वो सिंधी और पंजाबी जो हैं वो हमने इन पोस्ट में देखे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इसमें क्यों नहीं आते, तो यार गरीबों के बच्चों को कम तालीम होती है, उनको कम पैसों में कहीं पर भी बुलवा लो, काम करवा लो, वो तो खुश हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, और अच्छा इनमें जज्बा भी बहुत होता है ना गरीब के बच्चों में कि हमने आर्मी में जाना है, अपनी जान कुर्बान करनी है, अपनी जिंद अपने कंट्री के लिए,
और मतलब आर्मी आर्मी को लोग पता नहीं क्यों इतना मतलब आर्मी में आना पसंद करते हैं। वैसे ठीक है, आर्मी अच्छी है, आर्मी में आना चाहिए, एटलीस्ट अपनी कंट्री के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए आना चाहिए। लेकिन फिर आना तो उन आर्मी के बच्चों को भी चाहिए, जो बड़े बड़े मेजर्स हैं उनके बच्चों को भी आना चाहिए, वो भी आगे बढ़ें। लेकिन उनको कभी हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। उनको अगर हमने कभी देखा है तो हमने कहाँ देखा है, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर देखा है, उनको आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखा है, और ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं। एनीवेज गाइस, ये लोग तो कभी आएंगे नहीं, और अगर आते भी हैं तो अच्छी पोस्ट पे ही आएंगे। खैर, हम लोग पाकिस्तान में कभी ये लोग खुद रहना पसंद तो करते नहीं हैं, और अगर रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे, अपनी जो है वो रियाशियाँ जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री में है। यहाँ पर तो सिर्फ एक सिंपल सी ज़िंदगी है, और मतलब वो नज़ारे तो नहीं है जो आउट ऑफ कंट्री में है। सारी सी बात है, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, हमारी कंट्री, और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वो सारी चीज़ें जो कि मतलब कि हम सोचते हैं कभी हो, और इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, और बस वो चीज़ें अब कहीं मिसिंग हो गई हैं। कराची की हालात बहुत बुरे करती हैं इन लोगों ने, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, अफसोस होता है, बिकॉज़ मैं खुद भी कराची से बिलोंग करती हूँ। तो अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी कंट्री का क्या हाल हो रहा है, कराची का क्या हाल हो रहा है, पीपल्स पार्टी और ये दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं इन लोगों ने बर्बाद कर दिए। एनीवेज, चलते हैं, एंड करते हैं वीडियो का, और पार्ट 1 है, अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 भी बना लेंगे। इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पुरी, टिल देन बाय।